अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आम फहम जुबान में उसको कहते हैं जब आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने जितना भी बॉडी का कचरा है उसको बाहर निकालें। तो आपके पास मेन जो तरीके हैं वो दो होते हैं, वो है एक डायलिसिस, दूसरा जो है वो ट्रांसप्लांटेशन। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और लोगों के बड़े सवालात होते हैं, क्वेरी होती है कि दोनों में फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या हम इस पर कितने अरसे ज़िंदा रह सकते हैं दोनों चीज़ों पे और कैसी हमारी ज़िंदगी रह सकती है। तो हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। पहले हम डायलिसिस पर बात करते हैं। डायलिसिस जो है वो आपकी बॉडी से सारा कचरा निकालती है। हफ्ते में दो से तीन दफ़ा जो है वो करवाना होता है, हॉस्पिटल आना होता है उसको कराना होता है। किस तरह से डायलिसिस होता है उसका थोड़ा मैकेनिज्म समझा दें। आपकी बॉडी में तीन मेन शड़ियाने होती हैं, सेंटर लाइन जिसे बोलते हैं, एक जुगुलर होती है, सब क्लेवियर होती है, फेमोरल होती है। तो तीन जगह पे आपको या तो नीचे एक लाइन डल सकती है, यहाँ पे डल सकती है या यहाँ पे डल सकती है। कैनूला की तरह की एक बड़ी सी वो होती है चीज़ जो कि आपके वेसल्स में डालते हैं और उससे आपका डायलिसिस होता है। ये टेम्परेरी होता है, जो ये आप सेंटर लाइन डालते हैं ये टेम्परेरी है। परमानेंट होता है कि आपके हाथ पे यहाँ पे या यहाँ पे एक फिस्चुला बनाए, आर्टीरियो वेनस फिस्चुला जिसे बोलते हैं। फिस्चुला में आपकी आर्टरी और वेन दो अलग अलग जा रही होती है, उनको मिला देते हैं ताकि उसका प्रेशर ज़्यादा हो और उससे डायलिसिस हो सके। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था आपका, डायलिसिस किस तरह से हो सकता है। लाइन के थ्रू हो सकता है, फिस्चुला से हो सकता है। तीसरी चीज़, पेट में एक ट्यूब डालते हैं जिसे बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। जो ये लाइन और ये फिस्चुला वाला था वो हीमोडायलिसिस था, ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। उसमें आपके पेट के अंदर वो पानी डाला जाता है और फिर वो निकाला जाता है, तो वो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। वो भी एक टाइप होती है डायलिसिस की। इस सब चीज़ में इनके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। और पहले हम डायलिसिस की थोड़ी बात कर लें। डायलिसिस तीन जगह पर हो सकता है आपका। एक आपके हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, एक घर पे हो सकता है, एक कंटिन्यूस डायलिसिस होता है जो 24 घंटे चलता रहता है इसका वो भी हो सकता है। इसके अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है डायलिसिस के लिए कि जी इसमें क्या हम पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जी आप इसमें पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने पानी के इनटेक का कि पानी आप कितना पिए। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीना और पेशाब आपका नहीं आ रहा, आप डायलिसिस नहीं करा रहे, आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप वेंटिलेटर पर जा सकते हैं, आपको अर्जेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी प्रॉब्लम्स में ये आता है कि आपको हमें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हॉस्पिटल आना पड़ेगा, 4 घंटे आपको बेड पे लेटे रहना पड़ेगा और ये सारी आपको चीज़ करनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि डायलिसिस होगा किस तरह से। लाइंस जब हम डालते हैं ये टेम्परेरी होती हैं, इन्फेक्ट हो जाती हैं 2 से 3 दिन 5 दिन बाद हमें ये सेंट्रल लाइंस चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसका मेन हल होता है कि आप एक फिस्चुला बना लें। फिस्चुला का ये होता है कि फिस्चुला लंबा वो है, लेकिन फिस्चुला भी बंद हो सकता है आपका। यहाँ बनाया बंद हो गया, ब्लड प्रेशर कम हुआ, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजह से फिस्चुला बंद हो सकता है, फिर आपको ऊपर बनाना पड़ेगा या दूसरे हाथ पे बनाना पड़ेगा। तो फिस्चुला की वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी खूबसूरती में थोड़ा बॉडी में खलल आ सकता है, डायलेटेड वेन्स हो सकती हैं, इंसिजन, स्कार नीडल के, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आप डायलिसिस के अंदर फेस कर सकते हैं। एक और चीज़ पूछी जाती है कि जी ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेहतर है या डायलिसिस ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका जवाब जो है वो हम पहले ट्रांसप्लांट की बात कर लें उसके बाद देंगे। ये थी डायलिसिस की सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट जिसे बोलते हैं गुर्दे की पेवंदकारी। गुर्दे की पेवंदकारी जो है उसके अंदर 2 लोग ज़रूरी होते हैं, एक ऑर्गन डोनर होता है जो कि गुर्दा दे रहा होता है, एक रिसिपिएंट होता है जो ले रहा होता है। रिसिपिएंट वो होता है जिसके एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है, बिल्कुल गुर्दे काम करना बंद कर दिए होते हैं, डायलिसिस पे होता है वो, और उसको कोई एक बंदा उसका रिश्तेदार गुर्दा दे रहा होता है। कितने टाइप्स के ऑर्गन डोनर होते हैं, जो देने वाले हैं डोनर उसको बोलते हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। एक लाइव रिलेटेड होता है जो कि रिश्तेदार आपके देते हैं। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कौन से रिश्तेदार, जो एब्सोल्यूट फैमिली है, भाई हो गए आपके, वालिद वालदा हो गए, बच्चे हो गए, वो उनका मैच अच्छा होता है, मैचिंग करते हैं ब्लड से, वो अच्छी होती है और उनके गुर्दे अच्छा काम करते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई लाइव रिलेटेड जो रिश्तेदार देते हैं। इसके अंदर अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं हो, फिर आपके कज़न्स और खाला खालू
उनको देखा जाता है, नादरा की एक फैमिली ट्री बनती है और उसके बाद ये फैसला होता है कि कौन आपको दे सकता है, कौन पोटेंशियल डोनर है, कौन सिंगल है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है और किसके दोनों गुर्दे अच्छे काम करें। एक थरो वर्कअप होता है, उसके बाद उस बंदे से किडनी ली जाती है। ऐसी नहीं कि उस जो डोनर है जो गुर्दा देने वाला है उसकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, उसकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल है। इसके बाद होता है आपका डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन। डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन होती है कि आपका डोनर लिस्ट बनती है, मैं हूँ, मेरे पास एक डोनर कार्ड है, मैं गया हॉस्पिटल, मैंने बोला कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में अपने प्लेज करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वसीयत करना चाह रहा हूँ कि जी मेरी मौत के बाद अगर मेरी कोई एक्सीडेंटल मौत हो जाए, मेरे गुर्दे और बाकी हार्ट पेंक्रियाज और बाकी जितनी भी आंखें हैं वो डोनेट की जाए लोगों को ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी डोनर लिस्ट बनती है, इसको बोलते हैं डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन पे काम तो बहुत SIOT कोशिश कर रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा सोसाइटी में मीडिया और वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करता जितने भी सिविल सोसाइटी है कि हम इसकी एक अच्छी कैंपेन चला सकें। तीसरी चीज़ होती है स्वैप ट्रांसप्लांट या फिर उसको पेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट में होता है कि जब किसी का भी गुर्दा नहीं मिल रहा तो दो ऐसे बंदे हैं, कोई अलग है कोई अलग है, उनके इन दूसरों से मैच कर रहे हैं तो वो दोनों जो है एक दूसरे को दे देते हैं ऑर्गन। रही बात पैसे की इसके अंदर, तो वो होटा जो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एसोसिएशन अथॉरिटी जो है हमारी पाकिस्तान की, वो इसको इलीगल करार देती है। गुर्दा खरीदना बेचना जो है ये इलीगल है और इसकी जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, इसलिए ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ बिल्कुल बैन है, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। अब ट्रांसप्लांटेशन के क्या फ़ायदे हैं? ट्रांसप्लांटेशन के फ़ायदे ये हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, आपको 3 से 4 दफ़ा अस्पताल नहीं आना, आपको कुछ दवाइयाँ होती हैं वो खानी होती हैं लाइफ लॉन्ग, आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो दवाइयाँ खानी होती हैं और उससे आपकी इम्यूनो सप्रेशन जो कि आपकी कुव्वत है मदाफियत है उसको कम कर दिया जाता है थोड़ा, ताकि आप वो ऑर्गन जो बाहर से लगा हुआ है वो आपकी बॉडी से फाइट ना करे और उसको आपकी बॉडी रिजेक्ट कर दे कि जी ये तो कोई और चीज़ आई हुई है, तो उसके लिए वो आपको दवाइयाँ कुछ रोज़ाना खानी पड़ती हैं। उसके अंदर कोई स्कार नहीं होता, बस आपका जो ऑपरेशन का स्कार होता है यहाँ पे आपका गुर्दा लगता है नीचे पेल्विस की तरफ, उसका एक स्कार होता है बल्ज होता है और वो आपका कॉस्मोसिस में थोड़ी खराबी कर सकता है। पेशाब आपको आता है इसके अंदर, नॉर्मल आपकी लाइफ होती जाती है, बस वो आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन जिनकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ओवरलोड, पानी नहीं पी सकते, ये सारी प्रॉब्लम्स भी सेटल हो सकती है ट्रांसप्लांट में। तो ये दोनों चीज़ें जो है मेन मैंने आपको आम फहम जुबान में बताया है कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है। अच्छी चीज़ क्या है, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनमें ट्रांसप्लांटेशन होती नहीं है, जैसे जापान है, वहाँ पर 25-25 साल लोग डायलिसिस पे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन जो मुल्क ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनमें वो भी 25-25 साल 30-30 साल अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, उससे ज़्यादा गुजार लेते हैं। कुछ स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि ट्रांसप्लांट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि उस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका सर्वाइवल बेटर हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसप्लांट को ज़्यादा पज़ीराई दुनिया में मिली है और हमने भी देखा है कि जो ट्रांसप्लांट लोग कराते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है और वो बिल्कुल एक नए इंसान बन के आते हैं। ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे उसमें वो जीतते हैं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि लोग ट्रांसप्लांट कराएं क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। लोग पूछते हैं कि जी गुर्दे लेते हैं गुर्दे चलते नहीं हैं, रीनल ट्रांसप्लांट गुर्दे का ट्रांसप्लांट जो है वो तकरीबन 90-95 से ऊपर उसका सक्सेस रेट है कि अगर 100 लोगों में हो रहा है तो 95 लोगों का जो है बड़ा अच्छा वो चलता है गुर्दा और चीज़ें होती हैं, तो इसके आउटकम्स भी अच्छे हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करें। डायलिसिस को हम एज अ टेम्परेरी सोल्यूशन लेते हैं, ट्रांसप्लांट को एज अ परमानेंट लेते हैं। कुछ मुल्क हैं जो सिर्फ डायलिसिस ही कराते हैं, तो दोनों चीज़ें चल सकती हैं लेकिन डायलिसिस पर आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ सकता है। तो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और DR_HHQ को हर जगह आप सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।